आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता कैसे, हम इसे कैसे पहचानते हैं? लास्ट एंड सेकंड लास्ट वर्ड, सेकंड लास्ट वर्ड क्योंकि परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके आएगा, टेंस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। एंड लास्ट वर्ड आपका क्योंकि फ्यूचर है तो गा गी गे आएगा, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे से आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव हम लगाते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ के, शैल हैव हम लगाते हैं आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सिंपल सा है, आपने याद कर ही लिया होगा। सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ आगे चलते हैं इसके कुछ रूल्स पर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हट के रूल होता है कि उसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्क वन एंड वर्क टू में हम डिवाइड करते हैं। वर्क वन हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में एंड वर्क टू हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट के भी दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं वर्क वन बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में एंड वर्क टू हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो आप सभी को याद होना चाहिए कि उसमें आप वर्ब वन के साथ एस और ईएस लगाते हो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है और आप डू एंड डज यूज नहीं कर रहे हो, तो आप वर्ब के वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हो। तो ये रूल्स आपको माइंड में याद रखने हैं, इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स बनेंगे। ट्रांसलेशन करते हैं पहले एग्जांपल की, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। नाउ ये क्या है, किस टेंस में बना हमारा? फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में हमारा जो इसका सब्जेक्ट है वह है वह, वह ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में क्या है, चुकेगी, तो हम इधर क्या लेंगे, शी, पता चल गया हमें फीमेल है शी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शी विल हैव। पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड। अपना गृह कार्य, हर होमवर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। समझ में आया, बहुत सिंपल था, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल है हमारा, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। अब इसमें आप अगर देखो तो पहला काम कौन सा हो रहा है कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं अब इसको पहले काम को फ्यूचर परफेक्ट में बनाऊंगा। आई, मैं पढ़ चुकूंगा, सब्जेक्ट हो गया आई, देन आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव, आई शैल हैव। रीड की थर्ड फॉर्म, अगेन स्पेलिंग रीड ही रहती है बट पढ़ते हम उसको रेड है, आई शैल हैव रेड दिस बुक, यह किताब, आई शैल हैव रेड दिस बुक। अब उसमें क्या लिखा है, उसके आने से पहले, बिफोर, पहले बिफोर, ही, उसके आने से पहले, ही, आना मतलब अराइव, और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस और ईएस लगेगा, बिफोर ही अराइव्स, ही शी इट नेम के साथ एस और ईएस आता है, बिफोर ही अराइव्स। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर ही अराइव्स। सिंपल हो गया, बहुत छोटा सा आपने माइंड में याद रखा, वर्क वन फ्यूचर परफेक्ट में, वर्क टू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, परफेक्ट। सेकंड एग्जांपल करते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो पहला काम क्या हो रहा है कि वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब किससे पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई, आई आई यू वी दे के साथ
एस और यस नहीं लगता बिफोर आई रीच होम. सो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर आई रीच होम. परफेक्ट. आप सभी ने सही बनाया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा. हमारा फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं. उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे. उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे. तो पहला काम क्या हो रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. सो फादर विल हैव, फादर विल हैव, फादर सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब. रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड. फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर. ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर. फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर बिफोर, उसके आने से पहले, बिफोर ही अराइव्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है. पहुंचना अराइव, अराइव के साथ एस और ईएस, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ आप एस और ईएस लगाते हैं, तो ही अराइव्स. सो फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर बिफोर ही अराइव्स. इजी बन गया, परफेक्ट. आखिरी एग्जांपल करते हैं. हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे. हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे. सो इसमें हमारा सिंपल सा लॉजिक लगेगा. वी हमारा सब्जेक्ट, हम, वी शैल हैव, आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, रीच्ड, पहुंचने को रीच, और थर्ड फॉर्म आपकी रीच्ड. वी शैल हैव रीच्ड आगरा. आगरा पहुंचना है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पहुंच रहे हैं, आगरा. वी शैल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 AM. कब तक, 10 बजे तक, बाय 10 AM, राइट. 10 बजे से पहले नहीं है, तक है, तो आप बाय का यूज कर सकते हैं. तो वी शैल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 AM. परफेक्ट. आप सभी के समझ में आ गया होगा. अब आप स्क्रीन को पॉज करके आप यहां पे बाकी के एक्सरसाइज 25 एक्सरसाइज जो मैं देता हूं ट्रांसलेशन के लिए, आप वो चेक करें, उसको बनाएं और यहां पे वीडियो पॉज कर दें. अब आगे, अब आप वीडियो पॉज करें, जो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो एक्सरसाइज देखी थी उसके एग्जांपल्स आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं. अब आप उन्हें टैली कर लें, चेक कर लें, चेक करके मेरे को कमेंट में लिख के बताएं कि कितने आपके मार्क्स आए हैं. जल्दी से करें. परफेक्ट. इसी के साथ ये हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट का खत्म होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, हर एक टॉपिक सही से समझना है. आप सभी के, कईयों के मेरे पास डाउट आए थे कि हमारे समझ में नहीं आता. वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देख लेते हो. प्लेलिस्ट पे जाओ, एक एक वीडियो आप देखो, आपको सबको समझ में आएगा. मैंने हर वीडियो के थंबनेल में टॉपिक नंबर लिखा हुआ है. टॉपिक 1 से आप शुरू करो, टॉपिक 4 तक जाओ. टॉपिक 4 टेंसेस का है, उसके बाद मैंने ABCD लिख के दिया है. क्यों? क्योंकि हर एक टेंस के मैंने एक सीरियल नंबर बना रखा है. टॉपिक 4A, टॉपिक 4B ऐसे करके बना रखा है. तो आप उन सभी को एक एक करके पढ़ें और एक एक करके आगे उस वीडियो पे जाएं. बीच में से जंप ना करें, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे. और पढ़ना आप ही को है, ध्यान आप ही को लगाना है, तो थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज कर लो, राइट गाइज. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फर्स्ट टाइमर्स वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.